हेलो दोस्तों, संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। कल हमने कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर प्रिंटर को पढ़ा था, लेकिन आज हम आपके लिए लेके आए एक नया वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। ये वीडियो देखने के बाद में आपको मेमोरी के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं रहेगा, तो आप वीडियो को मिस ना करें, अच्छे से देखें और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। देखिए, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। आज का टॉपिक है हमारा कंप्यूटर मेमोरी का, है ना। कंप्यूटर मेमोरी किसे कहते हैं, मेमोरी कितने प्रकार की होती है, कौन सी टाइप की मतलब किस या फिर कौन सी किस मेमोरी का क्या कार्य होता है, वो आज हम इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा है टॉपिक कंप्यूटर मेमोरी। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेमोरी किसे कहते हैं, है ना। ये भी आपके लिए खास पहले मतलब मायने रखता है कि मतलब इसकी आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसके बारे में आपको कम से कम थोड़ा पहले नॉलेज होना चाहिए। नहीं है तो आप, मैं यहाँ पे पूरा बता देता हूं आपको कि मेमोरी किसे कहेंगे। देखो, यानी वह डिवाइस, कंप्यूटर का वह डिवाइस जिसके अंदर किसी डेटा को संग्रहित किया जा सकता है, वो संग्रहित करने वाला डिवाइस जो भी होता है, उन सारे डिवाइसों को हम मेमोरी कह सकते हैं, है ना। ये आपको याद रखना है। आगे और भी बता रहा हूं आपको, एक बार देखिए वीडियो मेमोरी के बारे में किसे कहेंगे मेमोरी। देखो, कंप्यूटर का वह डिवाइस, कंप्यूटर का वह डिवाइस जिसमें किसी डेटा को, है ना, जिसमें किसी डेटा को संग्रहित किया जा सकता है, जिसमें किसी डेटा को संग्रहित किया जा सकता है, वो वाला डिवाइस क्या कहलाएगा, मेमोरी कहलाएगा, है ना। ये आपको याद रखना है। मतलब इसके अलावा आपको याद रखना है कि देखो, जो मेमोरी होती है ना, मेमोरी होती है, उस मेमोरी को हम मतलब इसकी तीन अलग अलग टाइप से यहाँ पे मतलब इसकी देख सकते हैं। मैं आगे और भी वीडियो पूरा कवर करवाऊंगा, लेकिन आपको पहले याद रखना है कि मेमोरी को हम तीन अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं, और भी इसके अलग अलग पार्ट्स हैं जो मैं आगे बताऊंगा आपको। लेकिन अभी आपको याद रखना है कि इस तीन टाइप्स में से मतलब इसके आपको तो याद रखना की एक तो होती है कैश मेमोरी, एक कौन सी होती है कैश मेमोरी, दूसरी होती है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी कौन सी होती है प्राइमरी मेमोरी, और इसके अलावा तीसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। कौन सी होती है सेकेंडरी मेमोरी। ये आपको तीन टाइप्स इसके याद रखने हैं कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो आपको याद रखना है कि मेमोरी को हम तीन अलग अलग भागों में देख सकते हैं, एक कैश मेमोरी होती है, दूसरी प्राइमरी मेमोरी होती है, और तीसरी सेकेंडरी मेमोरी होती है। इन तीनों मेमोरी का कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर अलग अलग कार्य होता है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा अच्छे से। लेकिन आपको याद रखना है कि कंप्यूटर का वह डिवाइस जिसके अंदर किसी डेटा को संग्रहित किया जा सकता है, वो वाला डिवाइस मेमोरी कहलाएगा। मेमोरी को हम तीन अलग अलग टाइप्स में देख सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। देखिए, मैं इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करवा देता हूं। अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा बने कि निम्न में से वह कौन सी मेमोरी है जो सबसे तेज मेमोरी कहलाती है, ना, यानी सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, तो वो आपको सीधा सा एग्जाम में इसका याद रखना है कि सबसे फास्ट कार्य करने यानी स्टोर करने के मामले में या फिर प्रोसेसिंग करने के मामले में स्टोरेज के सबसे तेज वाली मेमोरी कौन सी होती है, सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है, वो आपको याद रखना है कि ये वाली कैश मेमोरी होती है, जो मैंने सबसे पहले लिखा है यहाँ पे, कैश मेमोरी होती है, वो कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कहलाती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है ना, यानी जो ये कैश मेमोरी होती है ये सबसे तेज मेमोरी होती है ना। ये जो कैश मेमोरी होती है, इस मेमोरी को सबसे तेज मेमोरी भी कहा जाता है, इसका कार्य भी होता है, मैं आगे आपको बताऊंगा। मतलब इसके अलावा देखो, आपको याद रखना है प्राइमरी मेमोरी, नाम से पता लग रहा है, प्राइमरी यानी प्राथमिक, यानी जब आप कंप्यूटर या फिर मोबाइल के अंदर काम करते हो, किसी डेटा को जब पहली बार संग्रहित किया जाता है, जब फर्स्ट टाइम उस डेटा को संग्रहित किया जाता है, तो संग्रहित करने के लिए जो फर्स्टली कार्य होता है सेव करने के लिए, वो कौन सी मेमोरी का होता है, प्राइमरी मेमोरी का होता है। और इसके टाइप्स हम आगे देख सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी को दो अलग अलग टाइप्स में देखेंगे, प्राइमरी
प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप्स होते हैं, रैम और रोम। रैम और रोम किस मेमोरी के भाग है? ये प्राइमरी मेमोरी के भाग है ना। इसके अलावा देखो मैं आगे और भी इसको व्यवस्थित बताऊंगा। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर देखेंगे हम जैसे आगे वीडियो में, तो सेकेंडरी मेमोरी भी स्टोर करती है किसी डेटा को। लेकिन आपको याद रखना है कि अपने मोबाइल या कंप्यूटर के अंदर किसी डेटा को आप हमेशा के लिए इस डिवाइस के अंदर सेव करके रखते हो। जैसे आपने कोई मूवी डाउनलोड की है या फिर और भी मतलब इसकी आपने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखी है, तो वो आपके मोबाइल या कंप्यूटर के अंदर हमेशा के लिए स्टोर हो गई। तो वो जो हमेशा के लिए जो डेटा स्टोर हुआ वो कौन सी मेमोरी में चला जाता है? सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। और आज हम देख रहे हार्ड डिस्क है, सीडी है, डीवीडी है, पेन ड्राइव है, एसडी कार्ड है, ये सारे के सारे जो भाग होते हैं वो सारे सेकेंडरी मेमोरी के भाग होते हैं ना। या आपको याद रखना है मेमोरी को तीन टाइप से देखेंगे, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को। चलिए तो देखिए हम कैश मेमोरी के बारे में देखते हैं। कैश मेमोरी सबसे तेज मेमोरी होती है। प्लस आपको भी याद रखना है कैश मेमोरी के कार्य क्या होता है ना, ये भी आपको याद रखना है। इस कैश मेमोरी के कार्य कहां कहां पे होते हैं, इसका मेन कार्य क्या होता है, मैं आपको यहां पे लिखवा देता हूं। देखिए जो एग्जाम में कई बार पूछा गया इसके कार्य है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। देखो कैश मेमोरी यानी पहला तो मैं यहां पे लिखवा देता हूं, यह मेमोरी सीपीयू और मुख्य मेमोरी होती है। मुख्य मेमोरी ही प्राइमरी मेमोरी कहलाती है ना, ये भी आपको याद रखना। मैं आगे और भी बता दूंगा ये तो, कि ये मेमोरी सीपीयू और मुख्य मेमोरी की गति बढ़ाती है। पहला तो आपको पॉइंट यहाँ पे ये याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि निम्न में से वह कौन सी मेमोरी है जो सीपीयू और मेन मेमोरी की गति बढ़ाने का कार्य करती है, तो आपको याद रखना वो कौन सी मेमोरी होती है, कैश मेमोरी होती है ना। इसके अलावा आपको याद रखना यह मेमोरी किसी डेटा को कम समय के लिए या सीमित समय आप कह सकते हैं ना, यह मेमोरी किसी डेटा को कम समय या सीमित समय के लिए ही स्टोर करके रखती है ना, यह भी आपको याद रखना है। यह भी मेन पॉइंट है इसका है ना, तो आपको याद रखना है ये मतलब कि इसका इंपोर्टेंट कार्य हो सकता है। आपको याद भी रखना है कि यह मेमोरी सीपीयू और मेन मेमोरी गति बढ़ाने का कार्य करती है, प्लस यह मेमोरी किसी डेटा को कम समय के लिए ही सेव करके रखती है ना, प्लस यूजर द्वारा बार बार है ना, कोई भी मतलब इसकी यूजर कार्य करता है तो वो बार बार उसके अंदर यूज होने की वजह से जो उसमें ऑटोमेटिकली सेव होता है ना, जो मोस्ट यूज लिस्ट में आप देखते हो, मैं आगे उसका वीडियो बनाऊंगा अलग से। तो जो यूजर द्वारा बार बार जो वहां पे एप्लीकेशन के अंदर काम होता है वो सेव भी किस मेमोरी की वजह से होता है, कैश मेमोरी की वजह से होता है मोस्ट यूज लिस्ट के अंदर है ना। यूजर द्वारा बार बार इस्तेमाल होने वाले प्रोग्राम को सेव करती है ना, ये देखो इस कैश मेमोरी के तीन लाइन यहाँ पे मेन इंपोर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है कि ये मेमोरी एक तो इसका कार्य होता है, ये मेमोरी सीपीयू और मुख्य मेमोरी की गति बढ़ाने का कार्य करती है, ये मेमोरी किसी डेटा को कम समय के लिए सीमित करके रखती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्रेजेंटली जो काम हो रहा है कंप्यूटर के अंदर, जो अभी फिलहाल कौन सा काम हो रहा है उस डेटा को तो सेव करके रखती है, प्लस जो पहले जो यूज हुआ है वो मतलब इसकी जैसे उसको लगता है कंप्यूटर मेमोरी को कि मतलब इसकी अभी इसकी कंप्यूटर में तो जरूरत कम बहुत कम हो रही है, तो उस डेटा को ये ऑटोमेटिकली मतलब इसकी वहां पे डिलीट करती है और जो हाल ही में जो यूज हो रहे हैं मेमोरी के अंदर उसको ये सेव करके रखती है, प्लस यूजर द्वारा बार बार इस्तेमाल होने वाले प्रोग्रामों को ये अपने अंदर सेव करके रखती है। और उस इसी का उदाहरण हम कंप्यूटर के अंदर जब स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो मोस्ट यूज लिस्ट ओपन होती है वो मोस्ट यूज लिस्ट के अंदर बार बार जो प्रोग्राम सेव होने की वजह भी कौन सी मेमोरी है, कैश मेमोरी है ना, ये भी आपको याद रखना है। तो देखो कैश मेमोरी के बारे में आपको इतना यहां पे याद रखना है।
देखिए तो कैश मेमोरी के अलावा और भी दो टाइप्स की मेमोरी के, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी, जो हमने आगे बता दिया ये, लेकिन अभी मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा। इसके अलावा मैं और भी इसके लिए दूसरा वीडियो बना लूंगा आपके लिए, लेकिन अभी आपको इतना याद रखना है कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है, इसके क्वेश्चन काफी एग्जाम में टफ बनते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये कि प्राइमरी मेमोरी होती है ना, इसी प्राइमरी मेमोरी को मतलब इसकी मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है ना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्राइमरी मेमोरी को कौन सी मेमोरी कहा जाता है? मुख्य मेमोरी कहा जाता है ना। इसके अलावा देखो आपको याद रखना है कि प्राइमरी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है, वो प्राइमरी मेमोरी देखो कार्य क्या करती है, जब कंप्यूटर के अंदर यूजर कोई कार्य करता है और उस जो अभी यूज हो रहा है मतलब इसकी कोई भी कार्य है उसको मतलब इसकी सेव नहीं करके रखता है ना, तो उस सेव नहीं करने से पहले जो उसको संभाल के एग्जिस्ट करने का जो कार्य होता है ना, वो वाला मतलब इसकी प्राइमरी मेमोरी का होता है। इसलिए इसका नाम क्या है? प्राइमरी। यानी जब कंप्यूटर का यूजर काम करता है तो फर्स्टली उसको सेव करवाना है, कैसे इस फाइल को सेव करवानी है, कहां पे करवानी है, तब तक उसको मेंटेन करने का जो भी कार्य होता है वो कौन सी मेमोरी का होता है? प्राइमरी मेमोरी का। लेकिन आपने जैसे मतलब इसकी कंप्यूटर के अंदर किसी डेटा को सेव कर लिया है तो सेव होते ही वो वाला डेटा सारा किसमें चला जाता है? सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। यानी कंप्यूटर के अंदर जो डेटा हमेशा के लिए सेव करके रखना है तो जो सेव किया हुआ डेटा वो मतलब आपको कहां पे मिलेगा? सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, है ना। देखिए ये जो सेकेंडरी मेमोरी होती है इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं और प्राइमरी मेमोरी होती है इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको आगे वाले वीडियो में पूरा बताऊंगा प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, लेकिन अभी आपको इस वीडियो में इतने में बताऊंगा, वीडियो काफी लंबा बन जाएगा। तो आपको मतलब इसकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।